दोस्तों देख रहे हो धान का बुआई हो गया और धान भी जग गया है। अब इसमें डाला जा रहा है पानी। ये है बोरवेल, यहाँ से डाला जा रहा है पानी। इधर स्टार्टर वगैरह लगा है और देख रहे हो ढलती शाम का नज़ारा, बहुत सुंदर शाम होने वाली है। दोस्तों देख रहे हो अभी दिन ढलने वाली है और मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत पे ढलती शाम पे और देख रहे हो दिन भी डूबने वाला है और अभी शाम हो चुका है। और अभी देख रहे हो दोस्तों अभी हम लोग का धान बुआई हो चुका है। ये देख रहे हो थोड़ा ग्रीननेस दिख रहा होगा और एक गाय भी है जो मेड़ पे है, खेत पे नहीं है तो नुकसान नहीं करेगी क्योंकि धान तो अभी छोटा है और अभी 2 इंच का हो चुका है धान। और इसमें हर्बिसाइड डालना चाह रहे हैं लेकिन अभी छोटा है करके नहीं डाल रहे हैं, ठंड भी है तो अभी डालेंगे इसमें पानी। जब तक थोड़ा धान थोड़ा बढ़ जाएगा उसके बाद डालेंगे हम लोग हर्बिसाइड, जो खरपतवार नाशी डालेंगे उसके बाद खाद वगैरह डालेंगे। दोस्तों हमारे तरफ जो बोर वाली प्लाट है उसमें रवि फसल की बुआई हर साल होता है, इस साल भी हुआ है, हम लोग भी बोए हैं। ये वाला यहाँ पास 2 खेत है, बड़ा वाला और आगे एक और है बड़ा वाला, वो दोनों खेत हम लोग का है। और एक दूसरी जगह बोर है उधर, जिधर लास्ट हम बुआई किए थे उधर ज़्यादा है तो अभी जैसे पानी डाल रहे हैं इसके बाद में डालेंगे दवाई वगैरह। बाकी लोग का पानी चालू हो गया है, मुझे करना है अभी चालू क्योंकि देख रहे हो खेत अभी सूख रहा है तो एकदम ज़्यादा सूखना भी बेकार है। पानी चालू करेंगे तो थोड़ा ग्रोथ भी होता है पानी के अंदर धान का। ये हम लोग का बोर है, यहाँ जाके बटन दबाऊंगा और चालू करूँगा। हो चुका है बोर अभी चालू। दोस्तों इसमें छोटा वाला मोटर लगा है, 3 HP का नहीं है, ये 2 HP का मोटर है और एकदम लूज वाला है इसलिए फोर्स इसमें कम है। पानी वैसे बहुत अच्छा है इस वाले बोर पे और दिखा रहा हूँ आप सभी को धान को। देख रहे हो दोस्तों ये धान के पौधा। दोस्तों ये अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा पीला दिख रहा होगा क्योंकि ठंड के मौसम में पीलिया लगता है, जैसे छोटे बच्चे जन्म लेता है उसके बाद पीलिया हो जाता है वैसी टाइप का धान का भी रहता है। इसमें भी पीलिया दिख रहा है और अभी तो खरपतवार वगैरह छोटा छोटा उगना अभी चालू हो रहा है, हुआ नहीं है। इसमें हर्बिसाइड डालना है अब हम लोग को। दोस्तों हमारे तरफ अभी रवि फसल में रोपा की बुआई, मतलब रोपा वाली जो बुआई होती है वो बहुत कम लगता है, हमारे तरफ सिर्फ लईचोपी लगता है। दोस्तों लईचोपी अर्थ ऐसा होता है जिसे लईहा भी बोलते हैं, मता देते हैं और धान को अंकुरित करके जिसे बोलते हैं जरई अवई, जरई ला कर उसे मतलब खेत में पाटा वगैरह लगा करके डाल देते हैं। ये है मतलब DSR है, डायरेक्ट सीडिंग वाला प्रोसेस है, यही वाला हम लोग के यहाँ चलता है छत्तीसगढ़ में। और रोपा वगैरह कम लगाते हैं क्योंकि लेबर वगैरह की समस्या होती है और ठंड के दिन में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम जाता है, खर्च बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट सीडिंग है, ऐसे बुआई कर देते हैं फिर हम लोग खरपतवार वगैरह डाल देते हैं फिर खाद वगैरह डाल देते हैं तो मतलब चलाई थोड़ा कम लगता है चलाई खर्चा में, लेकिन उतना खर्च नहीं आता है जितना रोपा में आता है उतना। और बस डर बस यही रहता है कि ये वाले जैसे हम लोग अभी डायरेक्ट सीडिंग किए ना, इसमें क्या होता है जरई वाले में मता करके छींटते ना तो ऊपर में रहता है, नीचे तक नहीं रहता है जड़, इसलिए मतलब गिरने का डर रहता है जैसे हवा बारिश वगैरह में। और आपके तरफ कैसे टाइप का बुआई होता है अभी गर्मी की फसल में, रवि फसल में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं बोर चालू किया, थोड़ी देर चला फिर लाइट भी बंद हो गया है, इसलिए मतलब हमारे तरफ क्या है कि 1 जनवरी से मतलब बोर वगैरह चालू हो जाता था और 10, 12 जनवरी, 15 जनवरी ऐसा मतलब 26 जनवरी के पहले बुआई हो जाता था, लेकिन इस बार देख रहे हैं ना पानी की मतलब समस्या ज़्यादा होता है क्योंकि बोर वगैरह बंद हो जाता है तो इसलिए क्या किए हैं कि इसलिए टाइम से पहले मतलब दिसंबर में ही सबका बुआई कम्प्लीट हो गया है। आपकी तरफ कब बुआई होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं
और कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाते हैं उसको भी बताएं। तो आज का शाम इधर ही बीत गया, अभी जा रहा हूँ घर में। पूरा जो रहता है ना खेत के चारों तरफ घूम के देखा हूँ तो सूख रहा है और धान तो अच्छी तरह जग गया है। इसके बाद हम लोग पानी डालेंगे, पानी जैसे फोड़ेंगे फिर दवाई के स्प्रे करेंगे, क्योंकि नमी बहुत ज़रूरी रहता है और धान भी अभी छोटा है, तब तक बढ़ जाएगा। देखते हैं, अगर एकाध यूरिया वगैरह का छिड़काव करना होगा, खाद की थोड़ी सी मात्रा तो भी कर देंगे और खरपतवार बाद में डाल देंगे। तो अब एकदम लाल हो गया है सूर्य, और इधर का देख रहे हो खेत, हरापन आ गया है। और एक गांव से थोड़ा दूर बाहर का एरिया बहुत ही शानदार, एकदम शांत चहक रही है, उसका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और एकदम मस्त वातावरण है इधर, इसलिए सुकून वाली जगह बोला जाता है गांव को। दोस्तों, अभी जनवरी से पहले बुआई हो गया है। अगर जनवरी के बाद जैसे बुआई होता ना, तो हमारे तरफ जो एक प्रकार का पक्षी आता है, जो हमारे तरफ जो बगुला होता है ना, वाइट कलर का, वैसी टाइप का रहता है, जिसे हमारी तरफ के जो भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में कोकड़ा बोलते हैं, उसका गर्दन मतलब अलग टाइप का रहता है, एकदम हाइब्रिड जैसा, दूसरा पक्षी का गर्दन जैसा, एकदम ब्लैक का रहता है और एकदम लाल लाल वाली आँख रहते, बड़ा सचोच रहता है। और अभी नॉर्मल देखोगे ना, तो नॉर्मल पूरा वाइट वाला रहता है, ये मतलब दूसरे तरफ से आता है। लेकिन इस बार तो जनवरी से पहले बुआई हो गया है, इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। और पिछले टाइम दिखा, मैं मताई वगैरह करने के लिए आया था, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। और ऐसा है तो बने रहो ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर, चाचा का गाड़ी है, जैकेट रखा हूँ, और ये फिर आ रहा है, देख लो। दोस्तों, ऐसे गाय जो खेत वगैरह में जाता है और नुकसान पहुंचाता है, उसे हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं हरही गाय। मतलब बहुत चतुर रहते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा दिमाग रहता है, कहीं से भी मतलब देख रहे हो, अभी उधर था आगे, और कहाँ से कैसे घूम के इधर चला गया, वहाँ से एक आदमी आ रहा है ना, वहाँ से लौटाया होगा, फिर इधर जा रहे हैं। अरे अभी तो नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे बढ़ने के बाद होगा नुकसान। तो अभी चलते हैं अपने घर।